से शुरू करता हूँ। आज हम सोल्जर बाजार के अंदर तमाम बुजुर्गान नौजवान हम एक साथ जमा है और आज हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर मिनोरिटी के हवाले से जबरन मजहब तब्दीली का जो बिल पास बिल दिया गया था जमा कराया गया और उसे मुस्तरद किया गया बिना किसी बहस के बिना किसी बात के, तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में दीगर और लोग कौमें रहती हैं उसी तरह अकलियत मिनोरिटी से ताल्लुक रखने वाली क्रिश्चियन कौम हिंदू कौम दीगर और अकलियत उनका भी पूरा राइट है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अगर उनके हवाले से कोई तहफुराती बिल जमा होता है तो उसे मुस्तरद करने की बजाय उस पर बहस की जाए उस पर बात की जाए और उसे देखा जाए अगर उसमें कुछ चेंजेस की जाती और उस बिल को पास किया जाता तो मिनोरिटी के हक में अच्छी बात होती, मगर ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर तहरीके इंसाफ की इस वक्त जो ज्यादादारी है क्योंकि इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ हुकूमत के अंदर है और उसने इस बिल को मुस्तरद किया है। मैं पीपल्स पार्टी से भी ये कहूंगा कि बजाय इसके कि पार्लियामेंट के अंदर आप पहले इस पार्लियामेंट के अंदर अगर इस मुस्तरद होने वाले बिल को पहले सिंध गवर्नमेंट पास करती और उसके बाद पार्लियामेंट में लेके जाती तो बेहतर होता। और इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और इसके साथ पीटीआई के जितने भी मिनोरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हिंदू और क्रिश्चियन है, मैं उन सबसे कहता हूँ कि आपके लिए एक नहायत शर्म की बात है कि बिल के मुस्तरद होने के बाद भी आप वहीं पर डटे हुए हैं। आपको चाहिए कि इतवार के दिन जो एहतजाज रखा गया है प्रेस क्लब पर 17 तारीख को आप उसमें शमूलियत करें और इस बिल के हवाले से आवाज को बुलंद करें। जिस तरह की आप सोल्जर बाजार के बुजुर्गान नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सब इस चीज की मजम्मत करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो बिल मुस्तरद किया गया है उसको जल्द से जल्द दोबारा एक दफा रिव्यू किया जाए और उसको देखा जाए और उस पर बहस की जाए मिनोरिटी के मेंबरान के साथ। शुक्रिया।